वीडियो में और ब्रांड न्यू वीडियो में हमारे साथ है आज फिर से दोबारा हिमांशु भाई, कैसे हो भैया? आज कौन सी गाड़ी रहने वाली अपने पास? आज न्यू वैगनआर। न्यू वैगनआर है भाई। न्यू वैगनआर में क्या आज हेडलाइट की रिगार्डिंग कर रहे हैं? आज इसका हम हेडलाइट और प्रोजेक्टर डीआरएल डाल रहे हैं। प्रोजेक्टर और डीआरएल डाल रहे हैं भाई। वैरायटी आपको दिखा दो, कौन कौन से प्रोजेक्टर जो अवेलेबल हो जाते हैं और कौन से डीआरएल जो इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है। तो भाई ये अपनी कुछ चौक हेडलाइट रहने वाली है, देख सकते हो भाई ओपन जो है कर लिए, बाकी ऊपर का गिलास जो ओपन हो गया इसका। बाकी इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मंशु भाई? इसमें प्रोजेक्टर लग जाता है, डीआरएल लगा, इसके टॉप मॉडल हेडलाइट आते नहीं हो जैसे, और स्विफ्ट बलेनो इसके आते हैं, इसके नहीं आते। इसका ऐसी एक ही जैसा आता है, एक ही जैसा आता है टॉप मॉडल बेस मॉडल सब में। बिल्कुल। तो उसमें प्रोजेक्टर डीआरएल डाल के डेमन आई भी लगा सकते हैं, जिनको डेमन आई लगाने हैं तो। ठीक है, बात करूं डीआरएल कहां कहां पे लग रही है इसमें? डीआरएल यहां लंबी लग जाती है, डीआरएल यहां पे लगेगी और अपना एक प्रोजेक्टर जो है बीच में इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी डेमन आई का ऑप्शन जो अवेलेबल हो जाता है, डेमन आई का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, और प्रोजेक्टर की बात करूं तो कौन सा प्रोजेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है? इसमें हम लगा रहे एईएस का टर्बो सीरीज प्रोजेक्टर, एईएस का टर्बो सीरीज जो है लग रहा है। तो भाई एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो ये जो है अपना प्रोजेक्टर रहने वाला है, और देख सकते हो भाई ब्लू शेड जो ऐसे आपको दिख रही होगी देखने को, और ये देखो भाई टर्बो सीरीज, ये बाय एलईडी प्रोजेक्टर, इसमें एचआईडी एलईडी दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बेस्ट कौन सा रहता है? बेस्ट अब तो देखो एलईडी का जमाना आ गया, हर कंपनी भी एलईडी दे रही है, तो एलईडी ही बेस्ट है अभी, एलईडी ही बेस्ट है। और डिपर में जो है भाई इंस्टेंट आपको डिपर मिल जाता है, और ये देखो भाई कुछ ऐसी लुक जो है इसके अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा भाई। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टर जो है बहुत कम टाइम में जो इंस्टॉल हो गया प्रॉपर, अपना कोई कटिंग नहीं है, जैसे कि आपको पीछे का पार्ट दिख रहा होगा, ये देखो भाई पूरा नट बोल्ट वाला सिस्टम है, और ये जो चूड़ी टाइट हो रही है, और आगे की साइड जो है अपना प्रोजेक्टर जो इंस्टॉल हो रहा है, और ये देखो कुछ इसमें हो गया। इसके पीछे से भाई लुक दिखा दूं, ये देखो इसमें भी सेम जो है भाई अपना नट बोल्ट वाला सिस्टम है, तारे अपनी आ गई है, और भाई ये देखो कुछ ऐसी लुक जो है इसकी आ रही है। बहुत ईजी है इंस्टॉल करना, कोई ज्यादा टाइम इसके अंदर लगता नहीं है, बस मेन वायरिंग और पैकिंग में जो है टाइम लगेगा इसका। और ये देखो भाई भाई प्रॉपर अपने पूरे तरीके से जो है टाइट कर रहा है, और एक बार जो है कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद वायरिंग वायरिंग होगी प्रॉपर। बाकी चाहो तो आपके पास जो है ये वाला पार्ट जो है अपना ब्लैक करवा सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, चाहो तो इसके अंदर जो है डेमन आई इंस्टॉल करवा सकते हो, जो कि मैंने अपनी i20 में भी कराई थी, और डीआरएल जो इसके अंदर इंस्टॉल हो ही रही है। बाकी ब्लैकआउट करवा लोगे तो लुक थोड़ी जो है बोल्ड हो जाती है, एग्रेसिव लुक हो जाती है आगे की साइड से। यहाँ पे जो अपना डीआरएल लगने का भी जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये देख सकते हो अंदर का जो प्रॉपर खुल के जो है, ये देखो एक पे जो भाई पेस्टिंग होगी अपनी पूरी, और ये देखो भाई इसको अगर डीएल का नाम बताए तो भाई क्या डीएल का नेम होता है वैसे इसका? ये डॉट डॉट टुकड़ी वाली डीएल बोलते हैं इसको। इसमें दो डीएल दो टाइप में, एक ट्यूब आता है पतली सी पाइप आती है, ठीक है, एक ये डॉट डॉट आती है टुकड़ी वाली। और बढ़िया कौन सी लगती है? इसकी रोशनी उससे बेटर है, ज्यादा बेटर है। तो बाकी भाई देख सकते हो कुछ लुक जो है ऐसी आ रही है, और एलईडी अंदर देख सकते हो काफी सारे एलईडी है, तो एक बार जो है ये देख सकते हो भाई इधर का भी प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया है। और ये पेस्टिंग किससे होती है हिमांशु भाई? डबल टेप से। ये डबल टेप से पेस्टिंग होती है, और उतरने का तो कोई ऐसा डर होता नहीं है? नहीं नहीं उतरता नहीं है। बाकी भाई प्राइमर लग के जो है प्रॉपर, ये देख सकते हो डबल टेप अपनी लग गई है, और कुछ जो है लुक ऐसी आएगी। एक बार ये देखो वो वाला भी खुल गया है। तो भाई हेडलाइट जो है अभी अपनी पैक नहीं हुई है, दोनों में प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गए हैं, अभी वायरिंग जो है भाई ऐसी कर दी है नॉर्मल चेकिंग करने के लिए, ये देख सकते हो, और ये जो ऐसे पूरा टाइट कर दिया, बस इसके ऊपर जो ग्लास लगना बाकी है, बट जो वो खुल के लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट जो भाई टेस्ट हो रही है पूरी की, सीधा है या नहीं है, और जितना यहाँ से एडजस्टिंग हो सकेगी वहाँ जो है कर देंगे। बाकी भाई देख सकते हो लुक इसकी कुछ ऐसी लुक आ रही है, और ये देखो भाई नीचे की साइड कुछ इनका जो फॉग लैंप लगे हुए हैं, और ऊपर की साइड का व्यू देखो अलग ही कट रहा है भाई। और भाई एक बारी वो देखो जैसे कि वो वाला भी नीचे है भाई, एक बारी वाला ऊपर कर देना वो वाला भाई, देख सकते हो उसकी जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर थोड़ा अप है उधर थोड़ा सा डाउन है, और वो देखो वो भाई वहाँ से मोटर एडजस्ट कर रहा है और ऊपर हो जाएगा। तो भाई ये अलाइनमेंट करनी भी भाई जरूरी होती है, अगर ना कराओ तो भाई फिर वापसी जो है हेडलाइट खोलनी पड़ती है, डबल मेहनत हो जाती है भाई। यहाँ पे जो है पैकिंग का काम भी जो है भाई स्टार्ट हो गया है, एक लाइट ऑलरेडी पैक जो हो गई है प्रॉपर हीट मार के, और अपनी ये देख सकते हो डीआरएल की कुछ लुक जो है ऐसी है। और एक बार आपको ये हेडलाइट जो है ये भी दिखा देता हूँ भाई, गर्म हो रखी है काफी ज्यादा, और ये देखो कुछ ऐसा जो है इसका अपना मतलब लुक रहने वाली है। डीआरएल ये रही अपनी प्रॉपर पूरी, इंडिकेटर पे भी चलेगी, और ये देखो भाई यहाँ पे बुटाइल लगा के जो प्रॉपर जो मतलब जेन्युइन आता है कंपनी की तरफ से ही, सेम उसी ओईएम प्लेसमेंट पे जो है भाई अपना वापसी पैकिंग हो जाएगी है, और लुक जो है वापसी ऐसी आ जाएगी। सो गाइस लाइट्स अपनी इंस्टॉल हो गई है, और भाई देख सकते हो ऊपर से जो है भाई अपनी टेपिंग भी हो गई है कि मॉइस्चर जाने के 0/0 चांस हो, और ये देखो भाई वायरिंग जो है अपनी बिल्कुल अंडरग्राउंड जाएगी, और यहाँ पे टाई बेल्ट लग के अपना प्रॉपर पैक हो रहा है, ये देख सकते हो भाई लोग कुछ ऐसी लुक आ रही है। सो गाइस इंस्टॉलेशन अपनी जो है भाई कंप्लीट हो चुकी है, डीआरएल भी अपनी लग गई है प्रॉपर, सारी चीजें वर्किंग है। हिमांशु भाई बिल्कुल अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? वायरिंग में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और बिल्कुल सारा वायरिंग केबल टाई से बांध दी है, सारा वायरिंग अंडरग्राउंड हुआ है। तो कर दो भाई एक बारी प्ले, और भाई देख सकते हो कुछ अभी आपको, ये देखो भाई
DRL जो है स्कैनिंग वाली है, जब ऑन करेंगे तो ब्लू होके व्हाइट होएगा। एक बार भाई दोबारा दिखा दो, ये देखो कुछ ऐसा जो है इसका अपना जो है स्टार्टअप रहने वाला है। और एक बारी भाई अब कर दो हेडलाइट ऑन, ये देखो भाई हेडलाइट अपनी ऑन हो चुकी है। और एक बारी डिपर दिखा दो भाई, भाई ये देखो कितना मतलब गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और उधर कम से कम 7 से 8 फुट का डिस्टेंस है। और वो देखो बीम देखो दीवार पे कैसे दिखा रहा है, और सेम ये देखो भाई इधर खंभे पे, मतलब वहाँ पे दीवार तक का जो है और ये मुश्किल से 10 फीट का भी गैप नहीं होगा। कितना अच्छा एरिया जो है भाई कवर कर रहा है, देख सकते हो दूर तक जो है भाई ये देखो। और हाई बीम भाई नो डाउट बहुत अच्छा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करवा सकते हो। AES का प्रोजेक्टर जैसे कि मैंने आपको अपनी जो i20 में जब डेमो नहीं लगी थी जब मैंने आपको कहा था कि AES का प्रोजेक्टर भाई नो डाउट बहुत सुपीरियर है, और सेम ये देख सकते हो भाई कुछ ऐसी जो है लुक रहने वाली है, ये देखो। तो भाई काफी बढ़िया जो है रिस्पॉन्स है इसका, ये देखो। और भाई नीचे की साइड फॉग लैंप देख सकते हो भाई, फॉग लैंप में चाहो तो और भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ हेडलाइट का ऐसा रिस्पॉन्स रहने वाला है, खाली हेडलाइट का। एक बार भाई हाई बीम भी कर दो, ये देखो भाई कितना दूर तक का एरिया जो अच्छा खासा कवर हो रहा है। और भाई वैगनर जैसी गाड़ी में इतना अच्छा सेटअप जो है इंस्टॉल हो गया, अब कोई LED की कोई HID की किसी चीज़ की भाई आपको जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, ना वायरिंग जो है कट हुई है ना कुछ हुआ है, सिंपल प्लग एंड प्ले है सारा मामला। और अगर गारंटी वारंटी की बात करूँ तो इसकी 1 साल की गारंटी आती है प्रोजेक्टर की, ठीक है, पानी डस्ट मॉइस्चर 2 साल की गारंटी है। तो भाई देख सकते हो भाई ने अपनी तरफ से भी गारंटी वारंटी जो है दे दी है, और जो इसकी जेन्युइन आती है वो भी जो भाई ने बता दी है। कुछ नहीं करना, सिंपल, मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगे लगाने में, नहीं 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं ये प्रोजेक्टर टाइट करने में, लगाने में भाई बस पैकिंग में ही ज्यादा टाइम लगता है, बाकी खुल तो जल्दी जाती है। और भाई बताना कमेंट सेक्शन में आपको जो इसकी लुक कैसी लग रही है। और ये देखो भाई मैं तो वैगनर जैसी गाड़ी में ऐसा आउटपुट देख के भाई काफी खुश हो गया, बहुत अच्छा। मतलब जिन भाइयों को वैगनर में कमी लगती थी, ये वाला प्रोजेक्टर लगा के जो है भाई अब अच्छा खासा आउटपुट जो है ले सकते हो। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ भाई ड्राइविंग सीट पे, और एक बार इंटीरियर की साइड से जो है भाई व्यू दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्टर का। ये देखो हाई बीम कुछ ऐसा है, और लो बीम देखो कितना अच्छा एरिया कवर कर रहा है, मतलब हाई बीम जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो प्रॉपर बीम दिख रहे होंगे भाई आपको साइडों में दीवारों पे, और ये देखो ये हाई बीम करके चल रहा हूँ भाई, तो सामने वाले की आंखों में भाई काफी ज्यादा लगेगा। और बाकी आप अपना मोटर के थ्रू जो है एडजस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इतने भी रखना है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है भाई ये देखो। सो भाई जैसे कि आपको भाई गाड़ी में आउटपुट जो है भाई दिखा दिया उस वाले प्रोजेक्टर का, और बाकी यहाँ पे जो है ऑप्शन और भी अवेलेबल होते हैं। और कौन कौन से अवेलेबल होते हैं मंचू भाई अपने पास? हेडलाइट के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्टर, हेडलाइट फॉग लाइट के लिए, ठीक है, जैसे अपने पास GTR है, ठीक है, ये देखो भाई। और यहाँ पे और बाइजन ऑन ऑटो की, ये GTR का रिप्लेसमेंट प्रोजेक्टर है, डायमंड कट में ब्लू सीरीज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो भाई देख सकते हो ये भी GTR के रेड सीरीज है, डायमंड कट में ये भी। तो भाई मतलब हर कोई अपने अपने जगह, हाँ जी, एक ने किसी ना किसी की चीज की जो भाई अपनी जगह, ये रेड सीरीज है, ब्लू कट, डायमंड कट में ये भी, ठीक है, ब्लू लेंस है ये, बाय LED रहने वाला है जो भी प्रोजेक्टर है। और वारंटी गारंटी की बात करो, 1 साल की गारंटी होती है इसकी, 1 साल की गारंटी होती है। तो बाकी भाई देख सकते हो सारे जो है लगे हुए हैं, और कुछ ऐसी लुक रहती है। अल्फा का प्रोजेक्टर है, डायमंड कट में, इसमें लेजर भी आता है, इसमें लेजर भी आता है। बाकी किसी को अगर हेडलाइट में लेजर लगवाना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं कोई दिक्कत, ये नॉर्मल प्रोजेक्टर है, लेजर का ऑप्शन इसी प्रोजेक्टर में होता है, बिल्कुल। तो बाकी भाई आपके पास जो है लेजर का ऑप्शन जो है और अवेलेबल हो जाता है, बाकी चाहो तो लेजर लगवा सकते हो, वरना सिंपल जो है आपके पास ऑप्शन और अवेलेबल होते हैं। बाकी IPH हो गया, काफी सारे और आते हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग में, पहले सपना चल रहा है IPH ऑटो की, बिल्कुल। ये देखो भाई ये बाय HID में, ये भी बहुत पहले से चल रहा है, लुक देख सकते हो भाई, ये हनीकॉम डिजाइन है, ब्लू लेंस है, बिल्कुल। तो भाई ये जो थे कुछ मैंने आपको जो है और ऑप्शन जो है बता दिए, जो अपना वैगनआर में लगा था वो लगा था भाई AES टर्बो सीरीज, बिल्कुल। और ये सारे जो थे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, चाहो तो इनमें से भी कोई इंस्टॉल करवा सकते हो, और अगर आपको वो वाला पसंद है तो वो वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो। एक बार अप्रोक्सीमेटली आइडिया बता दो कि कितना टाइम लग जाता है ये काम कराने में? इसमें टाइम लग जाता है 2 से 2.5-3 घंटे लग जाता है, ठीक है। और इसका रेंज का बात करें तो 10-11 हज़ार से स्टार्टिंग रेट हो जाता है प्रोजेक्टर का, बाकी प्रोजेक्टर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कि प्रोजेक्टर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस क्वालिटी में लगाता है, कौन सा प्रोजेक्टर लगाता है उसके हिसाब से। तो बाकी भाई ये था कुछ आज की वीडियो में जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वैगनआर की डिटेल, की वैगनआर में अगर किसी भाई को लाइट कम लगती है तो ये सारे प्रोजेक्टर वैगनआर या कई अदर गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो जिसमें लाइट से प्रॉब्लम है, जिसमें स्टॉक कंपनी प्रोजेक्टर लगा के दे रखी है, उसमें भी अगर
रोशनी से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके लिए भी प्रोजेक्टर ऑप्शन होता है अपने पास चेंज करने का। तो भाई हर टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्टर ही है जो कंपनी दे रखी है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें हम प्रोजेक्टर चेंज करने का ऑप्शन है। तो बाकी भाई ये था जो कि आपको ऑप्शन और जो है भाई बता दिया है। स्टॉक में भी जो आप चाहो चेंज करवा सकते हो, बाकी फॉग लैंप में जो है चाहो वो भी आप लगा सकते हो। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो। और बाकी भाई किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो कुछ डिटेल लेनी तो आपसे कैसे ले सकते हैं? स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ऑटो मैजिक करोलबाग में अपना शॉप है। अगर मानसो भाई कोई करोलबाग मेट्रो स्टेशन से आ रहा है तो कैसे आना, एक बार कुछ बताओगे भाई? करोलबाग मेट्रो से आगे आइएगा तो आपके लाल बत्ती पड़ जाते हैं हनुमान मंदिर के साइड, ठीक है? वहाँ से लेफ्ट लेते ही थोड़ा सा आगे आके सीधे आते पहला दुकान मेरा ही है। तो बाकी भाई ये थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा प्रोजेक्टर कौन सा लगा और वैगन आर में जो प्रोजेक्टर लगा है उसका आउटपुट आपको कैसा लगा।